हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं मेला, और हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। क्या मेरा सर जी, मैंने आपको दिखाया, और ये है मेरा, और इनकी इसमें मम्मी निकाल के दे रही है इसके लिए पैंट। तो शर्ट और पैंट पहन लीजिए और सूट पहन लीजिए। गाइज एक बात बता दूं कि आज टुन्ना जी हर दिन बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद कोचिंग जाते हैं, शाम में इनको नींद आने लगता है, तो नींद इनको आ गया था और ये सो गए थे। लेकिन आज का प्रोग्राम था मेला जाने का, मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मेला लेके जाऊंगा, मेला दिखाऊंगा, वही धड़ा का। क्या एरियल इरेजर? अच्छा हाँ हाँ, उसके पीछे एक मुझे इस्तेमाल पाना नहीं होता है। हाँ, और गोला बना रहे हैं, वो लगा देंगे और उसमें से क्या होता है, उसको ऐसे करके निकालेंगे, पेंसिल में ही रहता है वो इरेजर। अच्छा अच्छा, और ना वो बच्चे के काम के लिए वो उठा। हाँ, तो ये टुन्ना जी का आपने अभी सुना नैरेटिव। तो अब एक्चुअली हुआ ये था कि टुन्ना जी सोए हुए थे और टुन्ना जी को जबरदस्ती उठाना पड़ा, जबरन फोर्सली, तो टुन्ना जी रोने लगे। तो फिर इनको जगाया गया, इनका आँख धोया गया है, इनको फ्रेश किया गया है, इनको पानी पिलाया गया है। अब ये मेला जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और मेला जाएंगे। मेला में हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, टुन्ना जी जा रहे हैं, विशाल जी जा रहे हैं, और टुन्ना की मम्मी जा रही है, वो भी तैयार हो रही है। और भैया भी चार होएंगे, मम्मी चार होंगे, और ना विकास भैया घर पर हैं। हाँ, विकास भैया घर पे रहेंगे, फिर तुम सो जाओगे, इसलिए उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, शूज उज पहन लो, पैंट पहन लो, उठ जाइए प्लीज। मैं अभी स्कूल जाओ, विकास से मिलता हूँ। हाँ, उसके बाद मम्मी और भैया और विकास भैया हाँ घर पर रहेंगे। वाओ, ठीक है, तो लेते हैं फिर निकलने लगेंगे, तब ब्लॉग स्टार्ट होगा, तब तक के लिए ब्रेक। तो गाइस हम लोग अभी तैयार हो चुके हैं, विशाल भैया, मैं, पापा और मम्मी तैयार हो चुके हैं, और विकास भैया घर पर रहेंगे, घर पर ये सोएंगे। तो पापा अभी गाड़ी निकालते हैं स्कॉर्पियो, तो निकालने के बाद हम सब इसमें बैठ जाएंगे, बस मम्मी नहीं टिकेगी। तो पापा अभी निकाल रहे हैं गाड़ी, निकालने के बाद हम लोग बैठेंगे, जाएंगे भरा जाओ मेला। हाँ, तो भरा जाओ मेला जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ना जाएंगे, कुछ खाएंगे, झूला झूलेंगे, आपको आपको दिखाएंगे पास, झूला पर झूलूंगा, चीज लूंगा और भी खाना खाऊंगा। चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा आता है। चलिए, आ चुका है हमारे सब्सक्राइबर, मैं जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, मैं अपना बैठ जाता हूँ, मैं आगे में बैठ जाता हूँ। हाँ तो गाइस भैया इसी पर बैठेंगे, और हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं गाड़ी के अंदर, ये हमारा स्कॉर्पियो हो गई। अब तो गाइस अभी ना मैं भैया मम्मी को लेके आ रही है, नहीं भैया ना मम्मी को लेके आ रहे हैं, एकदम मुझे कैसे ही कैसे जाता है, उसके लाने के बाद हम लोग सब बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे। चलिए भैया मम्मी। हाँ तो गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं ढरा गांव के उधर, नेक्स्ट टाइम ना ढरा गांव में लगा था, आज 10 मई को आज हम जा रहे हैं ढरा गांव मेला। तो चलने के बाद हम लोग पहले कुछ आपको दिखाएंगे उसका नजारा, वहाँ पर मेला का नजारा दिखाएंगे, वहाँ पर दिखाएंगे वहाँ पर क्या क्या मिलता है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद क्या होगा कि ना मैं झूला झूलूंगा, ठीक है।
झूला झूलने के बाद लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर घर आके हमारा व्लॉग खत्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं मेला की तरफ। तो पापा अभी मेला कितने, पापा अभी बताएंगे मेला कितने किलोमीटर दूर है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर। हाँ 2-2.5 किलोमीटर। हाँ 2-2.5 किलोमीटर पापा बोल रहे हैं, जैसे आपने सुना ये बोल रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो उसके बाद और जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मेला का नजारा दिखाने के लिए, और खाना खाएंगे, झूला झूलेंगे, मौज करेंगे, और वो लोग घर पर आके लोग खत्म कर देंगे ऐसा ही। तो अभी जब हम लोग पहुंच जाएंगे तब आपको करते हैं स्टार्ट। तो गाइस मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो मेरी मम्मी है ये मेरे साथ में कभी नहीं जाती थी, मेरा कोई भी प्रोग्राम हो नहीं जाती थी। आज एक बार लाइफ में मेरे साथ जा रही है, लाइफ में ब्लॉग में एक बार ब्लॉग में शुरुआत करी है मेरे साथ स्कॉर्पियो में आने के लिए, और थोड़ा मम्मी गुस्सा हो गई थी आते समय, लेकिन अभी खुश हो चुकी है मम्मी, चेहरा देख के खुश हो चुकी है, क्योंकि मैं बाद मेरे बेटे के साथ जा रही हूँ उसी में खुश हो गई है। तो चलिए ब्रेक लेते हैं, उसने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अभी पापा अपने दोस्त से दुकान पर रुके हैं, पापा उनसे थोड़ा बातचीत कर लेंगे। बातचीत करने के बाद यहाँ गाड़ी पार्क किया है, यहाँ गाइस गाड़ी पार्क किया, उसके बाद चलेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है अंदर। चलिए चलिए भैया और मैं चल रहा हूँ। पापा यहाँ पर कुछ बोल रहे थे हम पर अपने दोस्त के साथ, और ये रहा उनका देखिए होटल यहाँ पर खाने वाला। नहीं नीरज अंकल है, हाँ नीरज अंकल कल है, और मुझे ना किसी किसी को टॉफी देते हैं। नीरज अंकल टॉफी दिए हैं गिफ्ट में। देखिए यहाँ पर देखिए चॉकलेट सब मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। कौन है नीरज अंकल? देखिए बिस्किट मिलता है। नीरज अंकल का ये बैंक है, ये बैंक है, नीरज अंकल का ये बैंक है, और इधर क्या दुकान है, और ये उनका दूध सेंटर है, ये उनका दूध सेंटर है गाइस। बहुत सारा काम करते हैं नीरज अंकल, और इधर पानी का फैक्ट्री है। पानी देखिए इस पर पेप्सी भी है, यहाँ पेप्सी भी है, सब कुछ है, स्प्रिंग भी है, सब कुछ कितना भी। नीरज अंकल के यहाँ गाड़ी लगा दी है गाइस, यहाँ पर देखिए बताओ ना, यहाँ पर देखिए नीरज अंकल के यहाँ क्यों आए हैं? नीरज अंकल के यहाँ क्यों आए? मेला जहाँ देखने आए हैं, नीरज अंकल का घर मेला के बिल्कुल पास है, और यहीं पे गाड़ी हम लोग लगा दिए हैं, कहीं और लगाते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता, गाड़ी का कोई गाड़ी का रास्ता नहीं याद रहता, रास्ता की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर में गाड़ी कोई शीशा फोड़ देता, कुछ भी कर देता, कोई क्या किसी का फोड़ देता, तो यहाँ पे गाड़ी सुरक्षित है, जो अपना घर है। नीरज अंकल को पापा जान रहे हैं ना, दो आदमी दोस्त हैं, इसलिए यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। अब हम लोग जा रहे हैं मेला देखने, नीरज अंकल को एक बार बाय कह दो, लव यू अंकल। वाह वाह वाह, बहुत खुशी की बात है बेटे, बहुत खुशी की बात है।
उनके घर के पास में ही जस्ट मेला है, तो चलिए चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं मेला, मेला चलते हैं गाइस। और मुझे काफी भी मिल चुका, ठीक वाला है, तो चलिए हम लोग अभी खड़ी हुई है, तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं मेला, मेला तो हाँ, तो उसके बाद थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हम खुद ही मेला पहुंच जाएंगे, लेकिन मेला मेला कब, मेला जितनी बार बोल रहा हूँ ना सब तो रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा झूला होगा, लाइट चल रहा होगा, क्या क्या मिल रहा होगा, कौन सा जेल टाइप का झूला होगा, मुझे तो यही से उसके बस फॉर्म सारे। हाँ तो अभी मेला ना तुम लोग बैठने वाले हैं कितना मेला पहुंच के फिर ब्लॉग बनाएंगे। हाँ तो हम लोग मेला पहुंच के फिर ब्लॉग बनाएंगे, तो मेला के पहुंच के ब्लॉग बनाएंगे। आज की आज तो आप के भक्त से यज्ञ कराना चाहता हूँ। हाँ तो बस अभी हम लोग मेला में आ चुके हैं, बस मैं भगवान को बोलना देता हूँ, हम लोग बोल लग चुके हैं, सब भगवान का दर्शन करेंगे। हाँ सब भगवान का दर्शन करेंगे, पहले यहाँ पर कुछ लोग फोटो भी लोग दर्शन कर रहे हैं, ये है मूर्ति, शराबी है, शराब पी लिया है और कुत्ता जो है वो उसके मुंह में मिलाप कर रहा है, शराबी है, शराब नहीं पीना चाहिए, वही बता रहा है ये मूर्ति, संदेश दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि शराब नहीं पीना चाहिए नहीं तो आपका भी यही हर फसल होगा, ठीक है, तो मैं भी घर लग लिया, अब यहाँ चलो भगवान के दर्शन। हाँ चलिए कुछ बोलना चाहता हूँ, दिखाते बोलते रहता हूँ, उधर आना चाहता हूँ, हमारे भगवान का मूर्ति बहुत ज्यादा है, मूर्ति बना हुआ है यज्ञ में, अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और मूर्ति देखते जाएंगे, भैया मूर्ति को कवर करेंगे मोबाइल में, तो चलिए अरे भैया कर लेगा मूर्ति, देखो मूर्ति पहचान रहे हो किसी को, ये कौन भगवान है, ये गणेश, गणेश चलो ठीक है, मैंने एक भगवान का नाम बताया है, दिखाता हूँ कौन सा भगवान है, कौन से कौन से, ना देखिए ये गणेश जी, और ये गणेश जी हमारे, और ये भगवान कौन है, नाम है, नाम है सीता, हाँ राम सीता, हाँ तो बस ये गणेश जी बिसलता है, कर रहे हैं भैया कवर कर रहे हैं, भैया कवर कर रहे हैं गणेश जी को, गाइस मुझे यहाँ पर देखिए कितने सारे भगवान के मूर्ति है, और इसमें से ना मुझे ना मुझे ना बस एक मूर्ति पता चली है, ये गणेश जी की, काली माता, काली जी का मूर्ति, हाँ ये है शायद हनुमान जी, हनुमान जी तो वहाँ भी, हनुमान जी होंगे, ये है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ये कौन से भगवान की मूर्ति है, ये राधा कृष्ण, और ये भगवान को नहीं पहचान रहे, गणेश जी का मूर्ति किस आ गया, गणेश जी का मूर्ति, और ये हो गया विष्णु और लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता, ये होगा दुर्गा, ये कौन होगा, ये भगवान को हमने पहचान लिया, ये कौन सा भगवान होगा,
ये कौन से भगवान हो गए? ये शायद ब्रह्मा जी। हाँ ब्रह्मा जी। तो ये कौन से? ये सरस्वती माता है। हाँ, और ये? और ये नारद जी। हाँ, और ये कौन से है? और भगवान को हमने पहचान पा रहा है, ये है विश्वामित्र। ये विश्वामित्र। और ये है मूर्ध्वज। चाहिए। और ये इन लोगों को आगे बढ़ने दो। यहाँ से बढ़ो, वहाँ से है लिखा हुआ ये वो राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है। ये महिला जो बैठी हुई है, ये तारामती है, और वो बच्चा जो सोया हुआ है वो रोहित, ठीक है। और ये कौन से है? कौन? और ये इनको पहचान पाए आप? पता नहीं, ये बच्चा सोया हुआ है। हाँ। वो रोहित है। हाँ। वो वहाँ लिखा हुआ है रोहित। रोहित तारामती। तारामती और राजा हरिश्चंद्र। और ये कौन से है? ये है कृष्ण भगवान और पुतना। पुतना? पुतना है राक्षसनी है, और कृष्ण भगवान है ना ऊपर में छोटा रूप, बाल रूप कृष्ण भगवान का। उतना को मार दिए हैं, उतनी बड़ी राक्षसनी है ना, उसको कृष्ण भगवान देखे उनके शरीर पे चढ़ के मार दिए। चढ़ के मार दिए वो जो छोटे है ना। हाँ। इस भगवान को ये कृष्ण भगवान है। हाँ। राक्षसनी को मार दिए। राक्षसनी क्या मार दिया? उतना है ये। हाँ। राक्षसनी का नाम क्या है? उतना। किस राक्षसनी का नाम है गाइस? उतना। वहाँ लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है उतना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे भगवान का दर्शन कर लेंगे, फिर खाएंगे सब कुछ। हाँ। और ये है सत्यवान सावित्री। हाँ। ये सत्यवान सावित्री। हाँ। कौन है? सत्यवान सावित्री। और ये है कृष्ण माखन चोर कृष्ण, ये कृष्ण भगवान है ऊपर। हाँ, माखन चोर जिनको जिनके ना माखन बहुत पसंद है। हाँ। उन्होंने ना माखन चुरा के बहुत घर से खाया है बचपन में। कौन है? माखन चोर। माखन चोर, माखन चोर कृष्ण। और ये कौन से भगवान है? और ये है यशोदा मैया, माँ यशोदा। माँ यशोदा मैया कृष्ण भगवान की माता जी। हाँ। कौन है? कृष्ण भगवान की माता जी। छड़ी भी है। हाँ, छड़ी भी है कृष्णा को मारने के लिए। शरारती था ना कृष्ण। हाँ। बदमाशी करता था। हाँ। बचपन में। हाँ। तो यशोदा माता उनको मारती थी। सही है। और ये है नंद बाबा, भगवान के पिता। नंद बाबा। नंद बाबा। और ये कौन से है? और ये है नरसिंह अवतार साहब। नरसिंह अवतार। और ये कौन है? प्रहलाद को रखे हुए हैं गोद में ना। नरसिंह अवतार विष्णु भगवान का एक अवतार है। और ये कौन से है? ये मीन अवतार है, मीन का विष्णु भगवान मीन के रूप में, मछली के रूप में भी अवतार लिए थे। और ये शेर वाला? ये शेर वाला तो हमेशा शेर वाला है, माता नहीं है तो पुरुष है बृहस्पति। और ये है बुद्ध केतु। और ये कौन से है? राहु। राहु। और ये कौन से है? ये है शुक्र। शुक्र। और ये कौन से है? शुक्र। और ये है मंगल। और ये चंद्र। और ये चंद्र। और ये ठीक है, ऐसे आपका एंड हो जाता है मूर्ति। हां तो गाइस ऐसे एंड हो जाता है मूर्ति का। प्लीज अब लोग प्लीज देखना। तो चलिए अभी हम लोग कुछ खाते हैं। वो अंत में है शनि महाराज। अंत में शनि महाराज। चलिए अभी कुछ खाते हैं। खाते हैं। हाँ। का मतलब खाना। हाँ। अभी खाने से शुरू हो। चलिए खिलौना। हाँ। खिलौना नहीं लेने वाला, मेरे पास बस बहुत खिलौना ऑलरेडी पहले से मेला से मुझे ला कर दिया। तीन हो गया गाइस आपकी। तो चलिए अभी खाते हैं। अभी पापा ऐसा देंगे फिर हम लोग खाएंगे।
अच्छा से बात तो कितना 10 रुपए हुआ 20 20 30 30 है ना ठीक है तो चलिए कैसा मिल चुका अब मैं आइसक्रीम खाता हूँ कौन खाएगा मैंगो 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 तो वो मैंगो जी बहुत मस्त है सबसे प्रिय भक्त हो उसकी शपथ लेकर मुझे अचंभे दो परसों ही से मैं मान जाऊंगा श्री राम श्री राम अरे राम भगवान श्री राम जी स्तब्ध रह गए उन्हें नहीं लग रहा था कि मेरी दोनों प्रतिज्ञाओं के बाद भी गुरुदेव ऐसा कुछ कहेंगे पहले प्रतिज्ञा जब उन्होंने ली थी सदा चली आई और दूसरी प्रतिज्ञा है दूसरी प्रतिज्ञा है कि अगर अपने वचन को पूरा नहीं कर सका तो गाइस अभी हम लोग का वचन सुना भगवान जी का जो भी कह रहा और यहाँ पर ना ये सब मिल रहा है खीर सब मिल रहा है हलवा वाला सब चीज मिल रहा है तो मैं अभी पीऊंगा पीऊंगा खाऊंगा पॉपकॉर्न 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 नहीं है वही है पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न नहीं है वही है तो गाइस ये है हमारा पॉप कितना गाइस यम्मी यम्मी बेस्ट कलर तो है नहीं कलर इस अभी क्या करेंगे
माइक रहेगा लेगा ऊपर गिर जाएगा तो खोजना पड़ेगा ठीक है और मुझे ना डर रही थी लेकिन मैं नहीं गिरा था। ये छोड़ दिया।
जूता बढ़िया से कहाँ पहने आप? गरम गरम देख कर मेला से हम लोग जा रहे हैं घर दोस्तों घूमे हम लोग हो गई है बाहर जा रहे हैं अपने गाड़ी अभी जान में आए थे मेरे पापा गाड़ी निकाल रहे उसमें गाड़ी पार्क किए थे वहाँ से निकाल रहे हैं चले चुके हैं घर के लिए गूगल पर जाके गूगल ब्लॉग एंड कर देंगे और हम लोग मेरा में बहुत बहुत लिए बहुत कुछ खा लिए बहुत कुछ झूल लिया झूला बहुत कुछ झूल लिए तो बचा गया आज हम लोग आए थे मम्मी हमारे मेरे मेरा लेके मम्मी और पापा कार चला रहे हैं।